फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, विच इज़ होमोलॉजी, सिमिलरिटी एंड आइडेंटिटी। ठीक है, जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह में आपका आता है। जब भी आप डीएनए या प्रोटीन सीक्वेंसेस की बात करते हो, आरएनए सीक्वेंसेस की बात करते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें आती है। और आप जब पब्लिकेशंस देखते हैं तो उसमें भी क्लियरली मैंशनड है इन तीनों शब्दों का साइंस में लगातार जो है सिनोनिमसली यूज़ किया गया है, इंटरचेंजेबली यूज़ किया गया है। पर तीनों में क्लियर कट डिफरेंसेस बताने के लिए ये आपके सिलेबस में डाला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले टर्म का, विच इज़ होमोलॉजी। ठीक, होमोलॉजी क्या है? स्टेटमेंट अबाउट कॉमन इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री ऑफ टू सीक्वेंसेस। सबसे पहले टू सीक्वेंसेस जो यहाँ पर टर्म दिया हुआ है, हम इसकी बात कर लेते हैं। सीक्वेंसेस से आप क्या समझते हो? देखिए, आपको पता है कि हमारा जो डीएनए है, या कह लीजिए हमारा जीनोम है, उसमें जितने भी क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सब के सब किससे बने हुए हैं? डीएनए के बने हुए हैं। या हमारे सेल के अंदर आरएनए भी पाया जाता है और प्रोटीन भी है। क्या आप इनके सीक्वेंसेस प्राप्त कर सकते हो? क्या आपको देख सकते हो क्या क्या है? जैसे डीएनए का आपने सुना होगा कि डीएनए ए टी जी सी इन सब सीक्वेंसेस के बने हुए होते हैं। तो कोई भी रीजन आप हमारे डीएनए का किस कोई भी पार्ट आप उनका क्या करा सकते हो? सीक्वेंसिंग करा के उसका सीक्वेंस पता कर सकते हो। ऐसे सेम फॉर आरएनए भी है आपका, कि आप आरएनए का अगर सीक्वेंस जानना चाहो तो सीक्वेंसिंग टेक्निक्स हैं, वो आपको बता देंगी कि कोई भी आरएनए का सीक्वेंस क्या है। सेम प्रोटीन है, प्रोटीन आपको पता होना चाहिए कि एमिनो एसिड से मिलके बने हुए थे प्रोटीन। ठीक, तो एमिनो एसिड अगर प्रोटीन से मिलके बना है और किसी प्रोटीन के बारे में अगर आपसे बोला जाए तो फिर क्या है आपका मतलब आप वो उस प्रोटीन का एमिनो एसिड का सीक्वेंस भी, अगर आप प्रोटीन का सीक्वेंस कराते हैं तो आप इंडिविजुअली जो उसमें एमिनो एसिड्स इन्वॉल्व हैं उसके बने होने में, वो आप पता कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखने के लिए, या वैसे ही दो सीक्वेंसेस को अगर हम साथ में रख के देख रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने तुलसी का प्लांट देखा होगा, तुलसी विच इज बिलोंग टू द जीनस ऑसिमम। ऑसिमम मान लो आप उससे सैंक्टम बोलते थे पहले, अभी उसका नाम टेन्यूलिफ्लोरम है। ऐसे ही ऑसिमम के और कई सारे स्पीशीज हैं, जैसे ऑसिमम बेसिलिकम। ठीक, दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं। आप मान लो इनके कई सारे डीएनए रीजन होते हैं, मान लीजिए एक रीजन हो गया आईटीएस, कई सारे जीन्स हैं। आप इनका सीक्वेंस करा लीजिए, मान जो भी होगा 1000 बेस पेयर का, पहले का आपका आ जाएगा, दूसरे स्पीशीज का ये रीजन आ जाएगा। जब आप इनके सीक्वेंसिंग कराओगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का, एक से लेके 1000 तक का ए टी जी सी सीक्वेंस, उसमें बेसिस इन्वॉल्व में आपको पता चल जाएगा। तो पहले प्लांट का एक आईटीएस का रीजन और दूसरे प्लांट का एक आईटीएस का रीजन, हमारे पास अब क्या आ गए, दोनों के दोनों सीक्वेंसेस आ गए। आपने इसका सीक्वेंसिंग करा लिया, अब हम ये देखेंगे कि क्या है दो मतलब सीक्वेंस का मतलब आप समझ गए कि हम डीएनए आरएनए प्रोटीन से ऑप्टेन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल बताया ऑसिमम के बारे में। अगर हमें इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री देखनी है कि क्या दो सीक्वेंसेस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। और जो होमोलॉजी टर्म है, ये हमें यही बताता है कि दो सीक्वेंसेस के बीच में इवोल्यूशनरी कॉमन इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री है कि नहीं है। मतलब जैसे आपको पता है इवोल्यूशन होता है तो क्या होता है, एक एंसेस्टर होता है, वो आगे चल के इवॉल्व हो जाता है दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ में। तो ऑसिमम के अगर आज कई सारे स्पीशीज़ हैं अर्थ पे, तो पहले कोई एक प्लांट रहा होगा जिससे वो सारे इवॉल्व हुए हों। तो ऐसे ही ऑसिमम के जितने स्पीशीज हैं, अगर आप उनके सेम इस आईटीएस रीजन का डीएनए कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा हाँ, उसमें बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, उनके हिस्से हैं, उनमें जो बेसिस है वो सेम है। ठीक है, तो होमोलॉगस है कि नहीं है वो आपको पता चल जाता है, इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री है कि नहीं है दो सीक्वेंसेस के बारे में। तो एक स्टेटमेंट है इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री जानने के लिए दो सीक्वेंसेस के बीच में। एंड दिस कैन बी ओनली ट्रू और फॉल्स, मतलब एंसेस्ट्री या तो आप कहोगे हाँ एंसेस्ट्री है, ट्रू है एंसेस्ट्री, या तो आप कहोगे फॉल्स है। ठीक, और हम जो है रेयरली इसके लिए, ये भी टर्मिनोलॉजीज हैं सॉरी मतलब ये सब अजम्पशंस है कुछ होमोलॉजी के लिए, कि हम जो है
इसके लिए सर्टेन नहीं हो सकते हैं। अगर आप, ये एक तरीके का एक हाइपोथेसिस होता है जो कि मोर और लेस प्रोबेबल होता है, ठीक। हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं, हम बैक इन टाइम में जाके ये नहीं बता सकते कि हाँ नहीं, हम सही कह रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी है, हाइपोथेसिस है एक तरीके का, ठीक है, कि ये दोनों चीज़ें हाँ होमोलॉगस हैं। अब जो होमोलॉजी है कंपेरेटिव स्टडीज़ में जो है देखी जाती है, कंपेयर करने के, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमन एवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री, ऐसे ही एंशियंट कॉमन ओरिजिन किसी चीज़ का हुआ है कि नहीं हुआ है, टेम्पोरल एवोल्यूशन हुआ है कि नहीं, मतलब टाइम में एवोल्यूशन, समय के साथ साथ कैसे एवोल्यूशन हुआ है, और स्ट्रक्चरल जो कैरेक्टर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल उसको हम देखते हैं इसमें, ठीक है। जैसे आप एनाटॉमी में, आपने जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं विंग्स किस में होते हैं, विंग्स चिड़ियों में, बर्ड्स में आपने देखा होगा विंग्स होते हैं, चमगादड़ में होते हैं, तो अब क्या चमगादड़ और जो बर्ड्स के वो हैं वो दोनों सेम ही हैं? मतलब अगर मैं बात करूँ क्लास का, जैसे आपका ये चमगादड़ हो गया, ये मैमल से बिलोंग करता है और जो बर्ड्स हैं वो एव्स से बिलोंग करता है, तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक। तो बर्ड्स का इवोल्यूशन अलग हुआ है और बर्ड्स का जो है वो अलग हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूँ किसी इंसेक्ट के विंग्स का, उसमें भी विंग्स होता है, आपने ड्रोसोफिला वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या है, होमोलॉगस हैं ड्रोसोफिला के विंग्स और बर्ड्स के विंग्स? नहीं। आपने होमोलॉजी एनालॉजी दो टर्म के बारे में सुना होगा, तो वो एनालॉगस ऑर्गन है, जो दिखते समान है उनका ओरिजिन अलग अलग रहता है। और होमोलॉगस कौन से ऑर्गन होते हैं? जो दिखते समान हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, पर उनका इवोल्यूशन सेम चीज से हुआ हो, ठीक। तो ये तो मान लो हो गया एनाटॉमी के लिहाज से, जहाँ पे आप कंपेयर करते हैं डिफरेंट एनिमल स्पीशीज के बारे में। प्रोटीन वगैरह या बायोकेमिस्ट्री में आया, जहाँ पे हमें हमारे बायो मॉलिक्यूल से, बायोकेमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, डीएनए आरएनए प्रोटीन, तो हम इनके बीच में सीक्वेंसेस में देखेंगे होमोलॉजी। तो इसका क्या मीनिंग होता है, मैंने फिर से बताया, हैविंग अ कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन। तो जब भी कोई आपसे होमोलॉजी के बारे में पूछे तो आपको यही बताना है कि हम इसमें कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन देख रहे हैं, ठीक है। एंड इज यूज टू इवोल्यूशनरी डिफाइन टू आर मोर प्रोटीन्स बाई लोकेटिंग कॉमन स्ट्रक्चर कैरेक्टर। अब अगर हम प्रोटीन के बारे में बात करें, तो प्रोटीन में हम कैसे बता सकते हैं कि होमोलॉगी है कि नहीं है? तो कॉमन उसमें स्ट्रक्चरल पैटर्न्स होते हैं। आपने प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा होगा कि जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर किसका होता है, एमिनो एसिड का होता है, फिर वो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, और जिसमें आपने बीटा स्ट्रैंड पढ़ा होगा, हेलिसेस पढ़ा होगा, फोल्ड्स के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर दो प्रोटीन के बारे में आपको होमोलॉजी देखनी है, तो आप यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखते हो, क्या दो अलग अलग प्रोटीन्स में ये चीज़ें कॉमन हैं, क्योंकि एमिनो एसिड का सीक्वेंस थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है इधर उधर, पर जो उनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं वो कॉमन होता है। तो हम ये बता सकते हैं, एक तरीके का प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रोटीन का फंक्शन सेम है और वो एक तरीके का उनमें होमोलॉजी है, ठीक। तो अकॉर्डिंगली होमोलॉगस प्रोटीन स्ट्रक्चर आर डिफाइंड बाई स्पेशल एनालिसिस। तो यही हम उनका जगह जगह पे जो भी बीटा स्ट्रैंड, हेलिसिस और फोल्ड्स बन रहे हैं, इनका एनालिसिस करके हम बताते हैं कि प्रोटीन में ये होमोलॉजी है कि नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ क्या है, कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर डू नॉट इम्प्लाई सीक्वेंस सिमिलरिटी एज अ नेसेसरी कंडीशन। मतलब होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ये चीज़ इम्प्लाई नहीं होती है कि जो उनके सीक्वेंस में सिमिलरिटी हो वो एक नेसेसरी कंडीशन हो। जैसे मान लीजिए आपने दो प्रोटीन है, उसका सीक्वेंसिंग कराया और आपको दिख रहा है कि उनके दोनों सीक्वेंस में सिमिलरिटी है, तो क्या इससे आपको पता हो सकता है कि वो होमोलॉगस स्ट्रक्चर हैं? मतलब हाँ हो सकता है कि अगर दो सीक्वेंसेस में कॉमन है, प्रोटीन के सीक्वेंसेस की बात करें, जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस रहेगा सॉरी, तो उनके बीच में अगर आपको कॉमन चीज़ें दिख रही हैं, कॉमन एमिनो एसिड वहाँ पे हैं, तो हो सकता है वो होमोलॉगस हो, पर ये एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि वो सिमिलर ही हो। तो डैश मीन सिमिलर है, तब तो प्रोबेबिलिटी है कि वो होमोलॉगस हो सकते हैं, चाहे डीएनए आरएनए प्रोटीन किसी की भी आप बात करो, एमिनो एसिड सीक्वेंसेस का, डीएनए सीक्वेंसेस कॉमन है, आरएनए सीक्वेंसेस कॉमन है, एमिनो एसिड सीक्वेंसेस, तो हो चांसेस हैं कि वो होमोलॉगस हो, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनमें सिमिलरिटी हो तो पक्का उनमें होमोलॉजी ही हो, ठीक है। सेकेंड टर्म की बात करते हैं, हम सिमिलरिटी की बात करते हैं, होमोलॉजी सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है? तो सिमिलरिटी का सीधे सीधे डिफिनेशन ये है, डिग्री ऑफ लाइकनेस बिटवीन टू सीक्वेंसेस। सीक्वेंस का मैं आपको बता चुका हूँ कि सीक्वेंस किसे बोलते हैं हम, तो सीक्वेंस के बीच में डिग्री ऑफ लाइकनेस मतलब समानता कितनी है, उसे हम सिमिलरिटी बोलते हैं।
जिसे परसेंटेज ऑफ सिमिलर या आइडेंटिकल रेसिड्यूज ओवर अ गिवन लेंथ ऑफ अलाइनमेंट। ठीक है, मान लीजिए आपने दो सीक्वेंस को अलाइन किया। अब देखिए अलाइन का क्या होता है, मान लीजिए ये एक रस्सी थी और मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ए टी जी सी टी जी सी सी टी। ठीक, और आपने किसी और स्पीसी से इसी जगह से काटा है और वहाँ पे ये टी जी सी टी टी तक आया, मान लीजिए यहाँ पे सी जोड़ देते हैं। एक दूसरा स्पीसीज से आपने काटा यही सेम रीजन, उसमें आपने टी जी सी सी, तो इनमें आप इधर आगे लाओगे, मतलब अगर आप एक तरीके से इसे लिखते हो, एक यहाँ से शुरू हो रहा है और इसको इसके नीचे लगा दो, तो ये ऊपर नीचे का क्रम बदल जाएगा। अगर आप सी को यहाँ लेते आओगे, इस टी को यहाँ लेते आओगे, तो इसका क्रम बदल जाता है। अलाइनमेंट का मतलब करना होता है कि एक दूसरे के सीधे में लाना। ठीक, तो हम जब अलाइन करते हैं उसमें, तो उसके बीच में सिमिलरिटीज कितना, परसेंट ऑफ सिमिलरिटी, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब सीक्वेंसेस के बीच में हाई सिमिलरिटी होती है, तो हाई चांस होता है कि उसमें होमोलॉजी भी हो। पर मैंने ऊपर आपको बताया था ये क्या होता है, एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है, पर अगर सिमिलरिटी है तो प्रोबेबिलिटी होमोलॉजी की ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर दो सीक्वेंसेस बहुत सिमिलर हैं तो वो यूजली होमोलॉगस होते हैं, अगर दो सीक्वेंसेस सिमिलर नहीं हैं तो हम बता नहीं सकते हैं कि वो होमोलॉगस हैं कि नहीं हैं। इफ़ टू सीक्वेंसेस आर नॉट होमोलॉगस, देयर सीक्वेंसेस आर यूजली नॉट सिमिलर। अगर दो सीक्वेंसेस होमोलॉगस नहीं हैं तो ये भी ज़्यादा चांस होता है कि वो यूजली सिमिलर ना हो। जैसे हमने बताया कि अगर वो दो सीक्वेंसेस सिमिलर है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो यूजली होमोलॉगस हो, पर अगर दो सीक्वेंसेस होमोलॉगस नहीं हैं तो उनके सीक्वेंस में सिमिलरिटी यूजली नहीं देखी जाती है, पर बाई चांस उसमें सिमिलरिटी हो भी सकती है। और अगर दो सीक्वेंसेस होमोलॉगस हैं तो उनके सीक्वेंस सिमिलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, हम नहीं जानते उनके बारे में। ठीक, तो होमोलॉगस एक कंडीशन मैंने बताया कि उनमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, दूसरा सिमिलरिटी मैंने बताया कि परसेंटेज परसेंट जो परसेंट ऑफ सिमिलर है, मतलब डिग्री ऑफ लाइकनेस बिटवीन टू सीक्वेंसेस है, उसको हम सिमिलरिटी बोलते हैं। अब दोनों सिमिलरिटी और आपके होमोलॉगस में दो क्या डिफरेंस है, कि सिमिलरिटी होने से होमोलॉगस की प्रोबेबिलिटी तो बढ़ रही है, पर दो सीक्वेंस होमोलॉगस हैं कि नहीं है ये हम यूजली बता नहीं पाते हैं अगर वो सीक्वेंसेस सिमिलर नहीं हैं, और दो अलग अलग नॉन सिमिलर सीक्वेंसेस होमोलॉगस हो सकते हैं, इससे हमें ये पता चलता है। थर्ड टर्म के बारे में आते हैं, विच इज आइडेंटिटी। तो सीक्वेंस जो आइडेंटिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स विच मैच एग्जैक्टली बिटवीन टू डिफरेंट सीक्वेंसेस। तो मान लीजिए दो सीक्वेंसेस आपने अलाइन किया है, तो हम सिमिलरिटी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी लाइकनेस, लाइकनेस का मतलब क्या होता है कि मान लो उसमें जो सीक्वेंसेस हैं मैच कर रहे हैं कि नहीं हैं, गैप्स उसमें भी रहते हैं। आप जब सीक्वेंसेस अलाइन करना सीखोगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अलाइनमेंट, तो उसमें गैप्स आते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी में हम गैप्स वगैरह काउंट नहीं करते, पर सिमिलरिटी में गैप्स अगर दो चीज़ में है तो सिमिलरिटी माना जाता है। डिलीशन एडिशन ये सब अगर उसमें रहते हैं तो उसे हम मानते हैं कि हाँ ये सिमिलर है, पर आइडेंटिटी में हम एग्जैक्ट मैचेस देखते हैं, वेदर मतलब मान लो वो बेसिस वहाँ पे हैं कि नहीं है एक दूसरे में। ठीक है, यहाँ पे गैप्स काउंटेड नहीं होते हैं। और जो मेजरमेंट होता है, ध्यान ये भी आपको रखना है, हो सकता है आप दो सीक्वेंसेस लें, हो सकता है आप 10 सीक्वेंसेस लें। तो अगर आपको 10 सीक्वेंसेस के बीच में सिमिलरिटी लेनी है, आपने सीक्वेंस लिया, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो हम इन सारे सीक्वेंसेस के बीच में सिमिलरिटी इस छोटे वाले को रेफरेंस रख के मानेंगे। अगर इससे बड़ा, इससे बाहर कोई चीज़ें आता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इसे 3 सीक्वेंसेस दिए गए हैं, ए बी एंड सी। अब आप ए बी सी तीनों में देखोगे, ए जी जी सी तीनों में है, पर अब फर्स्ट में देख रहे हैं टी टी है एक्स्ट्रा, बी में है ही नहीं और सी में है, तो इसमें ए टी है। तो हम अगर हमें सिमिलरिटी देखनी है तो इतना ही केवल देखेंगे इनके बीच में, तो हम कह सकते हैं कि ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है। लेकिन हम नहीं बता, क्योंकि हम शॉर्टर सीक्वेंसेस को यहाँ पे देख रहे हैं, तो आइडेंटिटी हम ये नहीं कह सकते कि ए वाला सी के बराबर ही है एक्चुअली। ठीक, इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, जैसे कि अगर आप ए और बी का आइडेंटिटी देखोगे तो आप कह सकते हो वहाँ 100% है, क्योंकि 5 आइडेंटिकल न्यूक्लियोटाइड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मिनिमम लेंथ हमने किसका लिया, ए का लिया, और मिनिमम लेंथ बी का लिया,
लेंथ बी का लिया क्योंकि लेंथ बी शॉर्टर है। अब अगर हम आइडेंटिटी बी और सी का देखें तो इसका भी 100% है ना, क्योंकि वही लेंगे लेंथ लेंथ ऑफ मिनिमम लेंथ ऑफ सी और फिर लेंथ बी लेंगे क्योंकि बी शॉर्टर है, इसका भी 100% आएगा। पर अगर हम ए और सी को काउंट करेंगे क्योंकि इसके सारे सीक्वेंसेस हैं, तो हम ये देखेंगे ये पांच जगह तो कॉमन है पर दो जगह इनमें आइडेंटिटी नहीं है, दे आर नॉट आइडेंटिकल। तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, छह आइडेंटिकल सब यूनिट हैं ना, क्योंकि ये टी सॉरी हाँ ये टी वाला तो मान लो मैच कर रहा है, तो आप 3 2 5 2 7, सात में से छह आइडेंटिकल हैं, इसको सात से आप डिवाइड कर दीजिएगा और फिर 100 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका 85 आएगा, 85%। तो हमने ये देखा कि ए और बी, ए बी से सिमिलर और बी सी से सिमिलर तो है आइडेंटिटी के मामले में, पर जब हम ए और सी को करते हैं तो उसमें केवल 85% का सिमिलरिटी है। तो 100% आइडेंटिटी का ये मीनिंग नहीं होता है कि दो सीक्वेंसेस सेम हैं, ठीक। तो ये था आपका तीन टर्म मैंने आपको बताया होमोलॉजी सिमिलरिटी एंड आइडेंटिटी के बारे में, होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक। तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, देखते रहिए आप अपने चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।